मसाला मखाना एक स्वादिष्ट, पौष्टिक, हेल्दी और चटपटी स्नैक्स है जो बनाने में तो बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है और झटपट बनके तैयार भी हो जाती है। ये हेल्दी तो होता ही है, साथ ही साथ इसको आप फास्ट में भी खा सकते हैं। स्वागत है आप सभी का एवन स्काई किचन में, जहाँ पे आपको मिलती हैं 100 से भी ज़्यादा क्विक, सिंपल एंड ईजी रेसिपीज। तो चलिए मसाला मखाना बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में घी डालेंगे और घी को गर्म करेंगे। घी जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम कुछ काजू डालेंगे और उनको धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे। देखिए काजू ने अपना कलर चेंज कर दिया है और ये रोस्ट भी हो गए हैं। अब इनको हम निकाल के एक साइड रख लेंगे। अब हम इसमें कुछ बादाम डालेंगे और उनको भी हल्की आँच पे भूनेंगे। बादाम भी हमारे भून चुके हैं, देखिए ये साइज में डबल हो गए हैं। अब सेम पैन में थोड़ा सा घी और डालेंगे और उसको गर्म कर लेंगे। फिर उसमें हम मखानों को रोस्ट करेंगे। ये मखाने मैंने इसमें डाल दिए हैं। मखानों को धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे, पर नहीं जल सकते हैं। ये देखिए हल्के गुलाबी कलर के हो गए हैं मखाने, और इसको अगर आप उंगली से तोड़ेंगे तो बिल्कुल एक बार में पूरा क्रैक हो जाएगा। अब इसको हम एक साइड में रख देंगे। चलिए अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो इसके लिए एक पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे और घी को गर्म करेंगे। ये मसाला हमें बिल्कुल धीमी आंच पे ही तैयार करना है। अब इसमें हम काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर, अमचूर पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इस पर यहाँ पर मैंने सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है, और इसको बस हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये मसाला हमारा बिल्कुल रोस्ट हो चुका है। अब इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे वो डाल देंगे और मसाले को उसमें मिक्स कर देंगे। मसाला ड्राई फ्रूट्स में अच्छी तरीके से कोट हो जाना चाहिए। अब उसमें हम थोड़ा सा शुगर पाउडर डालेंगे और उसको भी मिक्स कर देंगे। और ये हमारा क्विक, इजी एंड सिंपल मसाला मखाना बनके तैयार हो चुका है। घर के बच्चे हों या बड़े, ये सभी को पसंद आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अपना खूब सारा ख्याल रखें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। थैंक यू, बाय बाय।